जो शख्स यहाँ पर आने वाले हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे मेंटर हैं, मेरे मेंटर हैं, लेकिन यहाँ हॉल में बैठे हुए मैं जानता हूँ कि कई मतलब आधे से भी ज्यादा, मतलब 90% से भी ज्यादा लोगों के वो मेंटर हैं। Yes, 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 yes. और आज जो फॉरेवर इंसेंटिव के तौर पर लोगों को दे रहा है, उनके एफपीओस को, फॉरेवर के बिजनेस ओनर्स को तो दे रहा है ना इंसेंटिव, वो पूरा का पूरा इंसेंटिव वो हासिल कर चुके हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई कई इंस्टीट्यूट तो ऐसे है कि तीन तीन चार चार बार लगातार वो हासिल कर चुके हैं। खास बात उनकी ये है कि मतलब इंडिया में तो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, लेकिन हमेशा टॉप ट्रेनर में उनकी गिनती होती है हमेशा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, MRI डोनो। और आप सब तो यहाँ पे आए हो, मुझे पक्का मालूम है पैसा सब कुछ नहीं है। हेलो, पैसा सब कुछ नहीं है, रिलेशनशिप भी होते हैं, भावना भी होती है, इमोशंस भी होते हैं, दोस्ती भी होती है, यार भी होती है, परिवार भी होता है, प्यार भी होता है, माँ बाप भी होते हैं, सब कुछ होता है। ओके, और इसके बीच में पैसा भी होता है। MRI डोनो। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी एक बहुत बड़े हस्ती को ऐसी 10 चीजों की लिस्ट बनाने की रिक्वेस्ट की गई है। ऐसी 10 चीजें बनाओ, 10 चीजों की लिस्ट बनाओ जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता। द नेसेसरी 10 इंपॉर्टेंट टॉप थिंग्स। उसने पहले ऑक्सीजन दिखा था एंड सेकंड वाज मनी। तो मनी इज नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, इट्स दैट इंपॉर्टेंट। और मुझे मालूम है कि पैसे की किल्लत की वजह से बहुत सारे लोग ठीक से सांस नहीं ले रहे, अपने अपने प्रॉब्लम, अपने अपने झगड़े, अपने अपने लफड़े, अपनी अपनी दुनिया में सब मारामारी में लगे पड़े। किसी का ये प्रॉब्लम, किसी का वो प्रॉब्लम, किसी का वो प्रॉब्लम, किसी का एक प्रॉब्लम, सबके लगे पड़ी है। मैं बोलता हूं क्योंकि ये जो सदी आई है ना, ये जो 20वीं सदी जाके 21वीं सदी आई, तो 21वीं सदी उसके अपने चैलेंजेस लेके आए। ओके, और आज आप समझने को आए हो, और मैं कहता हूं कि माइंडसेट को इस तरह से तैयार करो, अपने अपने दिमाग, दिल, स्पिरिट, सोल, बॉडी, सब कुछ उसको इस तरह से तैयार करो। और हमेशा अपने आप से एक ही बात बोलो कि ऐसा भयंकर काम मैं करूंगा, उसके लिए चाहे मरना पड़े, जो चाहे करूंगा, ऐसा भयंकर काम मैं करूंगा कि आने वाले दिनों में राज करेंगे। काम इस तरह से होना चाहिए एक्चुअली, और राज किस तरह से किया जाता है ये मैं आपको समझा दूंगा बाद में, क्योंकि सब एक ही कश्ती में सवार है आज। ओके, मैं आपको आपके ख्यालों से बाहर निकालूंगा आज। आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, कंफर्ट जोन का जो भूत, कंफर्ट जोन का जो खेल, कि आराम से मेरा बंगला बन जाएगा और आराम से मेरा हेलीकॉप्टर बन जाएगा और आराम से मैं दुनिया घूम लूंगा और सब कुछ आराम से होएगा, मेरे को कुछ ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, वो भूत जो है ना वो निकालने वाला हूं आज। और बहुत सारे लोग इस भूत को दिमाग में रख के घूम रहे हैं, इस ख्याल को दिमाग में रख के घूम रहे हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कभी नहीं होता भाई, कभी नहीं होता। एक साधारण जिंदगी बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना, वो तो ऐसे ही बन जाती है। समझ में आ रहा है आपको? आप कुछ नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे बनेगी अपने आप? आप कुछ भी नहीं करेंगे, खास, ठोस, बढ़िया, भयंकर, कुछ आउट ऑफ द वे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो जिंदगी तो ऐसे ही साधारण सी बनकर रहने वाली है, उसको तो कुछ डाउट ही नहीं उसमें। लेकिन जिंदगी अगर बहुत बढ़िया और बहुत लाविश और बहुत बहुत मतलब जिसका नाम हो, इतिहास में नाम दर्ज होना चाहिए, ऐसी अगर बनानी है ना तो उसको करना पड़ता है, उसके पीछे लगना होता है, उसके पीछे मरना होता है, और वो सपना जिंदा रख के आने वाली सारी तकलीफों का सामना करके, उसके पीछे लग के कठिनाइयों को पार करके आगे निकलना होता है, तब जाके इतिहास में नाम जमा होता है। और ये कार्यक्रम जो है ये ऐसे माइंडसेट का है जो अपना नाम इतिहास में बनाना चाहते हैं।